नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज़ में। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर रिटेल्स की। जी हाँ, कल वोटिंग हो गई है। आज से 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था फ्यूचर रिटेल पे, जिसमें मैंने 3 दिन पहले ही बता दिया था कि ये मीटिंग होने वाली है और 20 और 21 तारीख को शेड्यूल्ड है और आपको जल्द ही अपर सर्किट देखने को मिलेगा। मैंने मंडे को बोला था, हालांकि मंडे को मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उस दिन अपर सर्किट नहीं लगा, लेकिन आज अपर सर्किट लगते हुए आपको दिखाई दिया। देखिए, फ्यूचर रिटेल जंप्स 5%, शेयर होल्डर्स वोट ऑन एसेट सेल डील टू रिलायंस रिटेल। बिल्कुल, तो इसमें कल जो 20 तारीख को मीटिंग होनी थी उसमें हो गई है, इसके चलते आपको 5% का अपर सर्किट आज देखने को मिला। देखिए, न्यूज़ है 21 अप्रैल 11:32 की सुबह। शेयर्स ऑफ फ्यूचर रिटेल जूम 5% इन अर्ली ट्रेड थर्सडे आफ्टर द डेट रिडन फर्म हेल्ड अ मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स टू कंसीडर एंड अप्रूव द सेल ऑफ द कंपनीज रिटेल। बिल्कुल, कि इसकी कंपनी की जो पूरी सेल है वो रिलायंस को कर दी जाए, इसके लिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें उनके द्वारा वोटिंग कराई गई थी। तो इसका रिजल्ट आया नहीं आया, क्या आउटकम रहा, वीडियो को हमें सब जानेंगे और वीडियो के अंत में इसका प्राइस एक्शन भी देखेंगे, वॉल्यूम एनालिसिस भी करेंगे, सब देखेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा। एसेट्स टू बिलियनेयर मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल वेंचर्स। बिल्कुल, और देखिए, द मीटिंग वॉज चेयर्ड बाई शैलेश हरिभक्ति हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाई द NCLT फ्यूचर रिटेल सेड इन रेगुलेटरी फाइलिंग। बिल्कुल, और ये केस लगभग जो जिसके पास फ्यूचर रिटेल है या जिनके पास इस ग्रुप का कोई भी शेयर है तो वो बहुत अच्छे से जानते होंगे इसके पूरे केस के बारे में, जो रिलायंस और इनकी डील चल रही है, अमेजॉन कैसे विरोध कर रहा है। इसके पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अमेजॉन ने इसको बिल्कुल डील को बिल्कुल इलीगल बताया था, जो ये वोटिंग वगैरह हो रही है, और उस पर जवाब भी जो इन्होंने दिया था वो भी सब मैंने बताया था। तो ये जो सारी कुछ है इन्होंने बोला है फ्यूचर रिटेल ने कि ये कोई इलीगल नहीं है, ये सब कुछ NCLT के निर्देशानुसार ही हो रहा है जैसा उन्होंने बताया था। फ्यूचर रिटेल्स काउंटर रोज टू हाई ऑफ ₹30.45 एज अगेंस्ट 29 एट प्रीवियस क्लोज ऑन द BSE। बिल्कुल, ₹30.45 पे बंद हुआ है। द शेयर होल्डर्स मीटिंग ऑफ 6 लिस्टेड एंटिटीज ऑफ फ्यूचर ग्रुप टू अप्रूव अ स्कीम टू सेल देयर एसेट्स ऑन अ स्लम्प सेल बेसिस टू रिलायंस रिटेल सबमिटेड देयर वोट्स ऑन वेंसडे। यानी कि ओवरऑल इसमें कहने का मतलब है कि वेंसडे को सारी वोटिंग हो गई है सारा सेल के लिए। अब देखिए क्या है, द रिजल्ट्स विल बी नोन आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ 2 मोर मीटिंग्स शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑफ द हाफ अ डजन एंटिटीज। बिल्कुल, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कब आएंगे, जब आज एक मीटिंग होनी है, 2 मीटिंग्स ये जब हो जाएंगी जो लेंडर्स के साथ होनी है मीटिंग, और जो सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं जो इनके साथ, तो ये मीटिंग होने के बाद ही इसका रिजल्ट आएगा कि क्या आउटकम रहा, क्या वोटिंग परसेंटेज वगैरह क्या था, ये सब आएगा। और देखिए, द मीटिंग हैपेंड फॉर अबाउट हाफ एन आवर एंड इट वॉज जस्ट फॉर वोटिंग। आधे घंटे लगभग चली थी मीटिंग। रिपोर्ट सेड कोटिंग अ पर्सन हु अटेंडेड द फ्यूचर रिटेल मीट ऑनलाइन ऑन वेंसडे। बिल्कुल, तो ये रिपोर्ट जो आई है ये किसने बताई है, उस व्यक्ति ने बताई है जिसने उस मीटिंग को अटेंड किया है, जिसमें उन्होंने बोला कि आधे घंटे मीटिंग चली थी और आधे घंटे में केवल वोटिंग हुई है। और देखिए, द NCLT अपॉइंटेड चेयरमैन रीड आउट द इशू। देयर वॉज अ वर्बल प्रेजेंटेशन बाई फ्यूचर ग्रुप एक्सप्लेनिंग द स्कीम एंड डेट वॉज फॉलोड बाई वोटिंग। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। ऑनलाइन वोटिंग हैड ऑलरेडी हैपेंड फॉर सम डेज। ये बिल्कुल, ऑनलाइन वोटिंग काफ़ी दिन पहले हो चुकी थी, बट टूडे वॉज द फाइनल वोटिंग डे फॉर द शेयर होल्डर्स। बिल्कुल, तो आज जो यानी कि कल जो था वो फाइनल वोटिंग डे था। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, SBI रैप्स फ्यूचर रिटेल फॉर अलाउिंग रिलायंस टू टेक ओवर स्टोर्स। बिल्कुल, तो यहाँ पर SBI ने थोड़ा सा टेंशन जाहिर करी है। देखिए, न्यूज़ आज की है 21 अप्रैल 2022 की सवेरे की। तो SBI देखिए क्या कह रहे हैं, अभी बैंक ऑफ इंडिया ने भी कुछ बोला था, बाकी इनके जो लेंडर्स हैं बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI, ये सारे बड़े लेंडर्स हैं। देखिए, तो इवन एज फ्यूचर ग्रुप कंक्लूडेड ई वोटिंग फॉर इट्स शेयर होल्डर ऑन April 20 फॉर गेटिंग देयर अप्रूवल फॉर द ₹25,700, कहीं आपको 24,000 कुछ लिखा रहता है अमाउंट, करोड़ मर्जर विद रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वन ऑफ द मेन लेंडर टू द ग्रुप रेज्ड कंसर्न्स ओवर टेक ओवर ऑफ फ्यूचर रिटेल स्टोर्स बाय रिलायंस। बिल्कुल, तो SBI ने यहाँ पर कंसर्न इशू किए हैं, उठाए हैं। अच्छा, क्या कंसर्न है इनका ये भी देखते हैं। द कंसर्न रिलेटेड टू फ्यूचर ग्रुप हैविंग नाइदर टेकन प्रायर कंसेंट ऑफ लेंडर्स नॉर इंटीमेटेड देम बिफोर सरेंडरिंग द लीज टू द ओरिजिनल लैंडलॉर्ड्स एंड एंटरिंग इनटू सब लीजिंग एग्रीमेंट फॉर द स्टोर्स विद रिलायंस प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। बिल्कुल, तो रिलायंस का कहना है कि ना हमको आपने कोई प्रायर इंटीमेशन दी है, आपने जो ये भी सारा काम कर लिया है लीज वाला या जो भी कुछ है, तो आपको हमको एटलीस्ट प्रायर इंटीमेशन देना चाहिए था और हमको एटलीस्ट बताना तो चाहिए था सरेंडर से पहले। तो यहाँ पर रिलायंस का ये
एक बड़ा कंसर्न है, माफ़ कीजिएगा, SBI का। अच्छा, SBI का कहना ये भी है कि भाई हमें एक रिटर्न में एग्रीमेंट, कुछ ऐसा एक सॉलिड प्रूफ दीजिए कि जिससे जब ये रिलायंस टेक ओवर कर लेगा तो उसके बाद रिलायंस इनका जितना भी है वो सारा कुछ कर्ज जो है वो चुकता करेगा या पैसा अदा करेगा। तो वो एक वो अश्योरिटी चाह रहा है, अश्योरेंस चाह रहा है SBI। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। और जो बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर देखिए, प्रमोटर्स हैव डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 18.24% टू 14.31% इन मार्च 2022 क्वार्टर। ये तो चलिए जो है तो है ही है, लेकिन यहाँ पर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि FII देखिए, यहाँ पर जो टोटल नंबर थे 43, चेन कितने हुए, 5 कम हुए, और टोटल जो होल्डिंग था वो 2.6% था, जो कि घट के कितना घटा, 0.25% FII ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग रिमेन अनचेंज रही है, और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स है वो भी अनचेंज रही है, यानी कि 4 म्यूचुअल फंड के पास अभी भी ये है फ्यूचर रिटेल। अच्छा, बात करें अगर वॉल्यूम एनालिसिस की, तो वन मंथ का एवरेज आप देखेंगे 70 लाख के करीब है, और डिलीवरी परसेंट अगर आप वन मंथ के एवरेज की बात करेंगे तो 44% के आसपास, वन वीक का एवरेज 31 लाख और डिलीवरी परसेंट 50.34% के आसपास। कल का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 18 लाख वॉल्यूम होता है ट्रेड और डिलीवरी परसेंट 51%, और आज जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वॉल्यूम 21 लाख है और अभी ये डिलीवरी परसेंट का डाटा अपडेट नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, वहीं अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 29.45, 29.90, 30.25, ये 3 रेजिस्टेंस हैं, और अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो 28.35, 28.30, यहाँ पर आपको 2 सपोर्ट दिख रहे हैं। अच्छा, 30.45 पे आज बंद हुआ है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करिए कि ये तीनों जो रेजिस्टेंस है ये तीनों धराशायी हो गए हैं आज। आगे बढ़ते हैं, देखिए आज जो इसने बढ़िया कैंडल बनाई है, अपर सर्किट लगा है, 30.45 बंद हुआ, और यहाँ पर जो मैंने अभी से पहले बताया था, मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा चेन देखने को मिल सकता है, और उसमें बताया था कि यहाँ पर जो इसका पिछला सपोर्ट था वहीं पर जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, और ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है लगभग 27 से 28 रुपये के आसपास, यहाँ से आपको एक रिवर्सल दिख सकता है, और ठीक वैसा ही हुआ आप देखेंगे तो। और आज आपको यहाँ पर एक अपर सर्किट भी देखने को मिला। अगर RSI की बात करें तो 37.93 रुपये के आसपास, 37.93 के आसपास है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, और मेरे हिसाब से देखिए अपर सर्किट लगा है यहाँ पर, मुझे पहला जो इसका टारगेट दिखता है वो 35 रुपये के आसपास दिखता है, दूसरा जो मुझे टारगेट दिखता है वो लगभग यहाँ पर दिखता है ये वाला, लगभग 40 से 41 रुपये के आसपास मुझे इसका टारगेट दिखता है। देखिए जो ऊपर लेके फंसे हुए हैं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से अगर आपको 35-40 रुपये के आसपास ये दिख जाता है, तो आपका अगर मान लीजिए किसी ने 45 पे लिया है, किसी ने 50 पे लिया है, तो थोड़ा बहुत लॉस आप बुक करके अपना यहाँ पर निकल सकते हैं, क्योंकि और ये आपको जो लग रहा है 40-42 तक ये तुरंत पहुँच जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी ये तुरंत पहुँच जाएगा। हालांकि अभी जो परसों मीटिंग जो इसका आउटकम निकलेगा वोटिंग का और सारे रिजल्ट्स वगैरह आएंगे, उस पर भी मैं वीडियो बना के आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, और रिलायंस अगर टेक ओवर कर लेता है तब तो नो डाउट ये फिर अच्छा भागेगा, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हाँ, अगर आप थोड़ा मोटा प्रॉफिट चाहते हैं तो आप यहाँ पर 30-32 पे यहाँ पर एंट्री बनाइए, और 35-40 के आसपास आते ही शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप निकल सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी बहुत ज़्यादा प्लीज़ पैसा मत लगाइएगा, आप फंस सकते हैं। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता भी हूँ कि देखिए मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ प्योरली आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट किया करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए। धन्यवाद।